सो गुड मॉर्निंग टू ऑल फाउंडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सफल होना नहीं चाहता है। इस दुनिया के अंदर सभी लोग सफल होना चाहते हैं और इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग जो है फाउंडरशिप में आए। अदरवाइज जब ये फाउंडरशिप अगर कंपनी हमें नहीं देती तो हम एज ए रीसेलर या फिर एज ए कस्टमर बन के भी पैसा कमा सकते थे। लेकिन एक अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई हमें एक अच्छी पोजीशन पे भी जाना होता है और वो एक अच्छी पोजीशन किसी ना किसी के माध्यम से ऊपर वाला जो है हम सब लोगों के लिए भेज देता है। तो ऐसे ही एस मुफारिसर के माध्यम से बहुत सारी पोजीशंस तो आने वाले टाइम में और भी आने वाली हैं, लेकिन फाउंडर पोजीशंस बहुत बहुत ज्यादा लकी लोगों को यहाँ पे मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सफलता अब इनके लिए बहुत बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गई है। अब यहाँ पे जो फाउंडरशिप की जो पोजीशन मिली है, इनकी जो सफलता होगी वो बाकी कई लोगों से कई गुना बेहतर होगी और कई गुना अच्छी भी होने वाली है। तो यहाँ पे हम सब लोगों को जो है एस मुफारिसर का सबसे ज्यादा तहे दिल से यहाँ पे सबसे पहले हमें धन्यवाद भी देना चाहिए। फाउंडरशिप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। अब आज के बाद कोई भी इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है हमारे इस फाउंडरशिप की पोजीशन में नहीं आ पाएगा। अब जो भी व्यक्ति आएगा यहाँ पर रीसेलर बन के आएगा या फिर ग्राहक बन के आएगा। तो सफलता जो होती है वो हर किसी के लिए यहाँ पे अलग अलग होती है। कोई बहुत सारे जो व्यक्ति हैं जो सफल होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग MLM कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी की जो सफलता है वो अपने अपने टाइप से अपने अपने अलग सफलता होती है। सभी के डेफिनेशन अगर आप 100 लोगों से भी पूछेंगे कि आपकी नजर में सफलता की क्या परिभाषा है, तो सभी लोग जो है अपनी तरफ से अलग अलग परिभाषा ही बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग बहुत ही यूनिक पोजीशन पर हैं और इसलिए हमारी जो यहाँ पे सक्सेस हम सब लोगों को मिलने वाली है वो भी इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही यूनिक सक्सेस होने वाली है। और आफ्टर ऑल हम सक्सेस हो चुके हैं, बस अब थोड़ी सी प्रोसेसिंग और रह गई है, उसको भी कंप्लीट होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। तो सफलता और असफलता के जो बीच में जो दूरी होती है वो ज्यादा दूरी नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर आपने ऐसे भी देखे होंगे कि फाउंडरशिप पे आए थे, अपना पेमेंट रिफंड लेकर के यहाँ से चले भी गए, तो आज उनको कोई ना कोई बात ऐसी खटक रही हुई कि यार मैंने ये क्या कर दिया। तो सफलता और असफलता के बीच में ज्यादा दूरी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये काम तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आज फाइनली वो सिलसिला पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नेगेटिव जो लोग होते हैं ना वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। नेगेटिव लोगों से हमेशा हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको अगर आप हमारे पूरे चैनल को अगर आप विजिट करें तो वहां पर भी 2-4 लोगों की जो नेगेटिव वीडियोस की रिव्यू थी वो हमने भी की थी, कि बहुत सारे लोग और अधिक और जो दूसरे फाउंडर्स थे, अच्छे खासे भोले वाले फाउंडर्स थे, उनको बहुत ज्यादा गुमराह कर रहे थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी कर रहे थे। लेकिन मैंने जो 2 वीडियो बनाई थी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो है उनकी वीडियोस को देखना बंद कर दिया था। तो नेगेटिव लोगों से हमेशा अपनी दूरी बना के रखनी है और हमेशा पॉजिटिव लोगों को अपने संपर्क में रखना है। जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है वही आपको सही बात बता सकता है और वही आपको आगे की तरफ जो है लेके जाएगा। इसमें जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है उसकी एक खास बात और भी होती है, वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कोई भी काम नहीं करता, वो हमेशा निस्वार्थ होकर के आपको सारी चीजें बताता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, बस आपको क्या करना है, आप अपने माइंड में कौन सी चीज लेके आ रहे हो, पॉजिटिव लेके आ रहे हो या नेगेटिव लेके आ रहे हो, आप बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे। खुद पे अगर आपको भरोसा है तो आप कोई भी काम इस दुनिया में कर सकते हो। और ऑन पैसिव के अंदर यहाँ पे जितने भी फाउंडर्स हैं उन सबको खुद के ऊपर पूरा भरोसा था, कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा था, हमारी टेक्निकल टीम के ऊपर पूरा भरोसा था, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा पूरा जो लाइफ था वो पूरी तरीके से सिक्योर था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम समय समय पे देख रहे थे। जो लोग अपडेट ले रहे थे, जो लोग वेबिनार को अटेंड कर रहे थे, उनके मन में कभी नेगेटिव चीजें कभी भी नहीं आई। लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन जो लोग वेबिनार लगातार अटेंड कर रहे थे, ऐसर की बातों को हमेशा सुन रहे थे, और हमारे जो टीम चैंपियन के जो भी वेबिनार होते हैं या भी अदर वेबिनार होते हैं उन सबको सुन रहे थे, तो वो लोग कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं हुए। उनके मन में हमेशा से एक आस हमेशा से जग जाती थी कि हाँ यार यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला है। तो बस यही चीज था जो ऐसर करते गए करते गए करते गए और आज हम सब लोग इस पोजिशन पर है। एक गीता के अंदर बात लिखी गई है कि आप कर्म करें फल की चिंता ना करें, तो ऐसर ने वही तो किया है, अपना कर्म वो हमेशा करते गए करते गए, कंसिस्टेंस
कंसिस्टेंसी के रूप में वो हमेशा अपना काम करते गए, वेबिनार करते गए, लोगों को अपडेट देते गए कि अगर हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग आज उनके साथ जुड़ चुके हैं और इस मिशन में शामिल भी हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आज अगर हमें 4 साल हो गए हैं तो ये बहुत बड़ा धैर्य है। और गीता में एक बात और भी लिखी हुई है कि हमेशा पेशेंस का जो फल होता है, धैर्य का जो फल होता है, वो हमेशा मीठा होता है। तो अब जितने भी हमारे फल मिलने वाले हैं, एप्पल्स मिलने वाले हैं, अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं आपको डायबिटीज ना हो जाए, तो इतना मीठा आपको फल यहां से मिलने वाला है। तो अगर बुरी परिस्थितियां हो या आप किसी भी दुखी में हो, आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में रह रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी सफलता के लिए लड़ते रहते हो तो ऊपर वाला भी हमेशा आपकी मदद करता है। ऊपर वाला भी कहता है कि यार वास्तव में ये चाहे इसके साथ कैसी भी परिस्थितियां, कैसी भी चुनौतियां आती गई, लेकिन इसने कभी भी अपनी सफलता को पीछे नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि कोई भी चीज जो है उन्होंने स्टार्ट की करना और उसमें थोड़ा सा हार गए या वो काम नहीं कर पाए तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने उसको दोबारा से ट्राई कभी भी लाइफ में किया ही नहीं। तो जो सही समय पर जो है अपॉर्चुनिटी को जो है नहीं पकड़ पाते हैं ना, तो देवता भी उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत 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 बड़ी जो अपॉर्चुनिटी होती है इस दुनिया के अंदर वो बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। और ऑन पैसिव भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम सब लोगों को मिली थी, जो बहुत बहुत कम लोगों को इस दुनिया के अंदर मिली है। मैं समझता हूं कि शायद 1% लोग भी इस दुनिया के अंदर नहीं होंगे जो कि फाउंडरशिप में है। तो ऐसी एक चीज होती है कि जो लोग सही समय पे अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाते हैं तो देवता भी उनकी मदद कभी भी नहीं कर पाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि दो लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिस पर आप आंख मीच के भरोसा कर सकते हो, दो लोग, और वो दो लोग आपको सफलता की तरफ 100% खींच के लेके जाते हैं। वो कौन है? वो है आप खुद और दूसरा है खुदा। यानी कि खुद पे और खुदा पे अगर आपने भरोसा रखा तो 100% आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सफलता की तो बस परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आपकी नजर में सफलता कहां पे है, कहां पे जाके खत्म होगी, ये आपको बेहतर पता है। तो अपना जो लक्ष्य है वो हमेशा हमेशा अपना बना के रखें, क्योंकि अगर आप एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, अगर आप एक बस में चढ़ जाते हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं पर भी जाकर के जो है रुक जाएंगे, कहीं पर भी जाकर के उतर जाएंगे, तो आपको मंजिल कभी भी नहीं मिलेगी। जब आप एक बस में चढ़ते हैं तो कंडक्टर भी आपसे पूछता है कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है, और आप उससे ये कह दो कि मुझे कहीं भी जाना है, तो वो उतार के आपको नीचे कर देगा, क्योंकि कंडक्टर भी आपसे ये पूछता है कि आपको कहां पे जाना है। जब आप ट्रेन का टिकट लेते हो तब भी आप वहां पे ये कहते हो कि मुझे दिल्ली जाना है, कि मुझे मुंबई जाना है, कि मुझे पीलीभीत जाना है, कि मुझे कानपुर जाना है। अगर आप वहां पे टिकट काउंटर पर जाकर के अगर ये बोलो कि भाई साहब एक टिकट देना, वो पूछेगा कहां का टिकट दूं, तो वो कहेगा कि आपको, आप बोलोगे कि कहीं का भी टिकट दे दो, तो वो कर देगा निकलने यहां से कोई पागल आ गया है। तो यहां से इस तरीके से आपके लाइफ के अंदर बहुत सारी जो चीजें होती है ना, वो आपको पता होने चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। अब आपको जाना ससुराल है और हो सकता है कि आप कहीं दूसरी जगह पहुंच गए, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। आपका लक्ष्य ही नहीं है, आपके पास टारगेट ही नहीं है, तो आप कहीं पर भी जो है नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपना लक्ष्य अपनी जिंदगी के अंदर जो है हमेशा हमेशा हमें बना के रखना पड़ता है। किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए हमें एक बीज को तो बोना पड़ता है। जब तक आप उसको बीज नहीं बोएंगे, खेत के अंदर अगर बीज आप नहीं बोएंगे तो फसल नहीं निकल पाएगी। आप कोई भी पेड़ का अगर बीज भी बो देंगे तो वहां से कोई भी पौधा जो है नहीं निकल पाएगा। तो बीज को तो आपको डालना पड़ेगा। जी हाँ, एक बात यह हो सकती है कि बहुत सारी जो है उल्टी सीधी चीजें जो है, जब हम अपनी फसल को तैयार करते हैं तो घास फूस ये सारी चीजें जो है अपने ही फ्री में ही जो है उग के आ जाती है, लेकिन उसकी हम कटाई छटाई निराई सब कुछ करते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें जो है हमारे आस पास भी आने लगती है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें आने लगती है, बहुत सारे लोग आपको जो है टॉर्चर भी करने लगते होंगे, बहुत सारे लोग आपको उल्टा सीधा भी बोलने लगते होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इन लोगों की आपको कटाई करनी है, छटाई करनी है, निराई करनी है, आपको सारे काम करने हैं, लेकिन खाद और बीज और जो पानी आपको देना है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का देना है। अगर आपने नेगेटिविटी का खाद पानी देना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपकी फसल पूरी तरीके से सड़ के बेकार हो जाएगी, ना फसल आएगी और ना कोई पौधा आ पाएगा। तो आपकी जो जीत होती है, आपकी जो सफलता होती है, उस पे आपको 110% आपको बिलीव रखना पड़ेगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो कोई भी इस दुनिया के अंदर जो है आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और कोई भी आज तक इस दुनिया की ताकत आपको उस जीत को दिलाने में आपकी हेल्प नहीं कर सकती। जिसके पास जो होता है ना, वास्तव में वो इंसान आपको वही देता है। अगर आप सफल व्यक्तियों के पास जाएं तो वो आपको हमेशा सफलता के रास्ते हमेशा आपको बताते रहेंगे।
एक किसी ने एक बात कही थी मुझसे कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप सफल लोगों की भीड़ में जाकर के घुस जाओ, आपको धक्का मार मार के सफल बना देंगे। तो ऐसे ही अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, अगर आप उसके पास जाते हैं तो वो आपको सिर्फ ज्ञान ही दे सकता है, बहुत अच्छा ज्ञान जैसा उसके पास होगा। अगर आप किसी दुखी व्यक्ति के पास जाते हो तो वो आपको सिर्फ दुख दे सकता है, सुखी व्यक्ति के पास जाते हो तो आपको सुख दे सकता है। अगर आप किसी डरे हुए व्यक्ति के पास अगर आप जाते हो तो वो आपको सिर्फ डर दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। अगर किसी भ्रमित व्यक्ति के पास जाते हो तो आपको भ्रम दे सकता है, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में पैदा कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप सफल व्यक्ति के पास जाते हो तो वो आपको हमेशा सफलता के रास्ते पर धीरे धीरे करके आपको लेके जाएगा। तो बस यही चीज होती है कि अच्छे व्यक्तियों की संगति बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप जिस टाइप का व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप जिस टाइप का आपका लक्ष्य है, उस टाइप के लोगों के साथ आप लोगों को रहना, आपको रहना, उनके संग संग रहना। अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो बहुत सारे YouTube चैनल हैं, आप उनके साथ अपना समय बिता सकते हो। बहुत सारे YouTube चैनल पर आप उनकी कहानियां भी सुन सकते हो, उनके मोटिवेशनल के प्रोग्राम भी देख सकते हो। डिजिटल तरीके से उनके साथ जुड़ के भी आप अपने माइंड को वॉश कर सकते हो। सफलता उन्हीं लोगों से मिलती है जो लोग सफल हो चुके हैं। सफलता के पद चिन्हों पर चलकर ही आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पे जो हमारी ऑन पैसिव है, यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप आगे हम सब लोग बढ़े हैं, इसलिए सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हैं और उनको सफलता दिखाई दे रही है। इसलिए सफलता अपने अंदर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आपका एक जो लक्ष्य होता है वो आपको सफलता की तरफ लेके जाती है। तो पॉजिटिव लोगों की संगति में रहें, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें। और संगति को जो लोग हल्के में ले लेते हैं ना, तो संगति का मतलब ही होता है कि संग संग गति। अगर आप जिस टाइप के लोगों के संग रहते हैं उस टाइप की ही आपकी गति हो जाती है। आप 10 दिन 20 दिन 30 दिन आप शराबी के साथ रह लीजिए, आपकी बिल्कुल उसी टाइप की हैबिट हो जाएगी। अगर आप एक नेगेटिव व्यक्ति के साथ रह लीजिए तो आपकी जो गति होगी बिल्कुल उसी की टाइप से हो जाएगी। फिर आप एक सफल व्यक्ति के साथ रह लीजिए, पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रह लीजिए, तो पॉजिटिव जो वाइब्रेशन होगी वो आपके अंदर आ जाएगी। तो ऑन पैसिव के अंदर जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं वो सब पॉजिटिव हैं, उनके ऊपर नेगेटिव वाइब्रेशन का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए वो आज पिछले कई सालों से आज यहाँ पे बने हुए हैं और इस मिशन में एसर का पूरी तरीके से साथ भी दे रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारी सफलता पूरी तरीके से निश्चित है। आने वाले टाइम में देखना हम सब लोगों की जो लाइफ स्टाइल है ऑन पैसिव के अंदर, वो पूरी दुनिया यहाँ से देखने वाली है। ओके, तो थैंक यू सो मच। अपनी उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ, आप सब लोगों की उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं मिलता हूं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपने माइंड को पॉजिटिव खुराक हमेशा देते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर इन इट टू विन इट।